हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली हम लोग कोई ना कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इशू है जो कि कवर करते हैं, और आज हम लोग एक और इंपॉर्टेंट इशू है जो कि कवर करेंगे, वो अग्नि 5 को लेकर करेंगे। जैसा कि आपने अभी पिछले एक दो दिन पहले सुना होगा कि अभी इंडिया ने दोस्तों रिसेंटली जो है हमने एक अग्नि 5 का टेस्टिंग है जो कि किया, और बहुत ही सक्सेसफुली टेस्टिंग है जो कि किया है। लेकिन मेजर इशू यह है कि हमने अग्नि 5 का जो अभी रिसेंटली टेस्टिंग किया है, इसको हमने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि बताया है। लेकिन कई सारे ऐसे जो सोर्सेज हैं, डिफेंस के सोर्सेज हैं, कुछ वेबसाइट है जिन्होंने ये बोला है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब हमें दो तीन चीजें यहाँ पे जाननी है। सबसे पहले तो ये कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, किन देशों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इसकी रेंज क्या है। दूसरा ये कि जो बाकी वेबसाइट के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो किन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, ये भी देखना जरूरी है। हालांकि क्या हमारे लिए तो ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएं, और आने वाले टाइम पे बना भी लेंगे, लेकिन इस मिसाइल को भी हाइपरसोनिक है जो कि बताया गया है। तो इसके पीछे पूरी जानकारी है जो कि हम लोग देखेंगे कि क्या सच्चाई है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है जो कि है। तो रिसेंटली दोस्तों हमने एक नाइट ट्रायल है जो कि कंट्री की मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हमने किया है अग्नि 5 का 15 दिसंबर को। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब क्या है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक की इसकी रेंज है जो कि देखने को मिलती है। बैलिस्टिक आपको बताइए पैराबोलिक पाथवे है जो कि अपनाती है ना, जो अपने अब्दुल कलाम जो अपना आइलैंड है उड़ीसा के अंदर, वहां से हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया और 5,500 किलोमीटर जो दूर टारगेट हमने रखा था वो टारगेट दोस्तों हमने यहां से हिट किया है। कई सारे मिनिस्ट्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया डीआरडीओ को। उसी टाइम पे दोस्तों एक ऐसा न्यूज पोर्टल जो कि डिफेंस के न्यूज को कवर करता है, उसने ये बात बोली कि ये जो टेस्ट था अग्नि 5 का जो था, ये अग्नि 5 का नहीं था, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल का था। ओके, ये एनालिसिस किया गया तब इसकी टेस्टिंग में, इसकी हाइट, स्पीड और जो ट्रेजेक्ट्री है दोस्तों, किस तरीके से वो मिसाइल गई है, उसको देखने के बाद में, ये एनालिसिस करने के बाद में इस वेबसाइट के द्वारा ये बताया गया। तो कई सारे एक्सपर्ट जो है वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग कर चुका है, लेकिन उसने बताया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों ये मिसाइल है जो कि टेस्टिंग के टाइम पे देखने को मिली। इंडियन एरोस्पेस डिफेंस न्यूज ने क्लेम किया कि अग्नि 5 जो है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर जो कि इस लॉन्च के टाइम पे उनको देखने को मिली। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ओके, वैसे क्रूज मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो नीचे की साइड होती है, वो इतना ज्यादा पाथवे जो है वो नहीं अपनाते हैं। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो ये ज्यादा गाइडेड नहीं होती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो गाइडेड नहीं होती है, ऊपर की तरफ जाती है, फिर कई सारे जो इसमें बम्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे जो है वो उनको लोकेट करने के लिए काम में ली जाती है ना। ये इसको पावर जो मिलती है सिर्फ ऊपर जाने के लिए मिलती है, ग्रेविटेशन के पुल से फिर वो नीचे की तरफ आती है, न्यूक्लियर अटैक के लिए काम में ली जाती है, रॉकेट पावर्ड बूस्टर्स होते हैं और एटमॉस्फेयर की हाइट तक जो है फ्लाई, ये इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा ऊपर होती है और ग्रेविटी के ऊपर वो डिपेंड करती है। लेकिन जब हम लोग क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो इसका एक फिक्स्ड टारगेट होता है, ओके, पहले से जहां पर इसको नेविगेट किया जाता है, पावर इसको थ्रू आउट मिलती है ना, और इसका एक प्रॉपर पाथवे डिसाइड किया जाता है और प्रिसाइसली दोस्तों ये टारगेट के ऊपर जाके हिट करती है। टर्बाइन पावर्ड एयरप्लेन्स होते हैं, अर्थ ग्रेविटी के ऊपर ये रिलाय नहीं करती है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी तरीके की मिसाइल होती है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर आए या अलग अलग जगह पे जाके इस तरीके से अटैक है जो कि करती है। ये गाइडेड की जाते हैं एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए, उसके बाद में ग्रेविटी के फोर्स से नीचे की तरफ आते हैं। ओके, इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है कि इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि लेट से जब हमने पहली बार बनाई थी है ना, प्रहार जब हमने बनाई थी, इसकी मात्र 150 किलोमीटर की रेंज थी और आज हम लोग 5,500 किलोमीटर की रेंज तक पहुंच चुके हैं। हमने सबसे पहले, हमारा जो मिशन था वो चाइना और पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना था, उसको लेकर हमने मिसाइल बनाई। तो हमारी जो आप देखोगे छठा जो हमारा मिशन था अग्नि 2 का, इसका 2000 किलोमीटर की रेंज थी जिसमें हमने आसपास के कंट्रीज को कवर किया। उसके बाद में अग्नि 3 3000, फिर अग्नि 4 3,500, अग्नि 5 को अभी हमने 5,500 किलोमीटर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो काफी आसपास के कॉन्टिनेंट्स है जो कि इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ओके, और ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए अग्नि 5 की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, यानी कि तहरीन, दर असलम, बीजिंग, शंघाई, मॉस्को, ये सारे के सारे अग्नि 5 की रेंज के अंदर है जो कि आ रही है।
कुछ शहर जो नहीं आ रहे वो लंदन है 6700 किलोमीटर दूर, न्यूयॉर्क है 11,000, वॉशिंगटन है 12,000 किलोमीटर दूर, इनके लिए अभी हमें काम करना बाकी है। दुनिया में हमसे ज्यादा रेंज की जो मिसाइल, अगर मैं ये मान भी लेता हूं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अग्नि 5 है हमारी, इससे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो यूएस के पास 13,000 किलोमीटर की है, चाइना के पास 12,000 की है, यूके के पास 11,000 की है, रशिया के पास 10,000 और फ्रांस के पास में भी 10,000। तो देखोगे तो दुनिया में हम लोग 6th नंबर के हाईएस्ट जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी के अंदर हम लोग लाए करते हैं। अगर मैं बात करूं स्पीड के कंपैरिजन में, यानी कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल वेबसाइट के द्वारा बताई गई है, दुनिया में बहुत ही कम दोस्तों आज के टाइम पे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल देखने को मिलती है। और अगर ये डेफिनेटली क्रूज मिसाइल है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इतने आगे टेक्नोलॉजी के अंदर पहुंच चुके हैं। सबसोनिक रेंज जो होती है वो होती है जब 0.8 मैक से लोअर स्पीड होती है, समझ गए मेरी बात। वैसे ही सुपरसोनिक के अंदर आप 1 से 5 मैक की स्पीड होती है, 1 मैक की स्पीड 1234 किलोमीटर पर आर होती है, 1200 किलोमीटर पर आर के आसपास होती है। तो 1 से 5 मैक के बीच में आपकी क्या होती है, सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक की जब हम लोग बात करते हैं तो ग्रेटर देन दोस्तों 5 मैक की स्पीड है जो की होती है, ओके। और ये मिसाइल 5,000 से 12,000 किलोमीटर पर आर के घंटे की रफ्तार से उड़ती है, है ना, तेज स्पीड होती है, ऊंचाई कम होती है, रडार इसको पकड़ नहीं पाता है, कोई दुनिया में ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि इसको रोक सके हाइपरसोनिक मिसाइल्स को। 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार दोस्तों ये ले जा सकती है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग स्पीड है, लक्ष्य को किसी भी पॉइंट तक ये भेज सकती है, है ना, और स्पीड बहुत अच्छी है जैसे कि मैंने आपको बताया। इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है और काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय है जो कि एरिया को करती है, हवा में रास्ता बदलने की क्षमता तक जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि रखती है। तो ये 5 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो कि हाइपरसोनिक को लेकर है, ठीक है गाइस। एक तो इसमें क्रूज मिसाइल होती है और एक ग्लाइड व्हीकल होते हैं, दो प्रकार के इसके अंदर भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स देखने को मिलती है। जैसे कि मैं बात करूं सबसोनिक मिसाइल के अंदर, जिनकी जो सबसोनिक मिसाइल्स होती है जिनकी स्पीड आपके 0.1 मैक से बिलो होती है, 0.8 मैक से बिलो होती है 1,000 किलोमीटर तक के आसपास की, उसके अंदर अमेरिका की दोस्तों टॉमहॉक है, है ना, वैसे ही फ्रांस की एक्सोसेट है, भारत की दोस्तों निर्भय जो हमारी मिसाइल है वो सबसोनिक रेंज की है। उसी प्रकार से सुपरसोनिक की बात करें तो साउंड की स्पीड से 2-3 गुना ज्यादा होती है। इसके अंदर दोस्तों रशिया और भारत ने जो मिलकर बनाई अपनी ब्रह्मोस मिसाइल वो बेस्ट एग्जाम्पल है सुपरसोनिक मिसाइल का, जो कि 1 से 5 मैक तक की जिसमें स्पीड होती है। उसी प्रकार से हाइपरसोनिक की बात करें तो दोस्तों दुनिया में रूस इसमें सबसे ज्यादा आगे है, किंजल जो है इनकी सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है, एवनगार्ड है यहाँ पे इनके पास में, जिरकोव है, जिरकॉन करके, तो दुनिया में सबसे आगे आज के टाइम पर रशिया ही है जब हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं तो, ओके। दुनिया में आज जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो रशिया, यूएसए और चाइना, ये 3 कंट्रीज है जो कि हैवी इन्वेस्टमेंट है जो कि इसके ऊपर कर रहे हैं। रशिया ने दोस्तों किंजल बनाया है, यूक्रेन के अंदर भी इसको काम में लिया है, ओके। इसके अलावा एवनगार्ड है, इसके अलावा जिरकॉन है, ये कुछ मिसाइलें जो है रशिया के द्वारा बनाई गई। अमेरिका भी दोस्तों 2011 के बाद से काफी काम कर रहा है, लॉकहीड मार्टिन के साथ में मिलकर, है ना, इन्होंने AGM-1831 एयर लॉन्च्ड रैपिड रेस्पॉन्स व्हीकल बनाए हैं और इसके ऊपर ये काफी काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से चाइना ने दोस्तों जुलाई के अंदर टेस्टिंग करी, यूएसए ने एक्यूज भी किया था चाइना को कि ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे हैं और काफी टाइम से कर रहे हैं, ओके गाइस। चाइना ने दोस्तों D-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि ये बनाई है ऐसा दोस्तों कहा जाता है। DFZF भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो भी इनके द्वारा टेस्ट करी गई है। तो अमेरिका के द्वारा ये कहा गया कि चाइना जो है वो कई सारी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि पिछले 5 सालों में टेस्ट कर चुका है। कंपैरेटिवली अमेरिका पिछले 5 सालों में 9 या 10 बार उसने टेस्टिंग करी है, ऐसा अमेरिका का भी दोस्तों दावा है जो कि उसके द्वारा किया गया है, ठीक है गाइस। और जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया का जो रेंज है बैलिस्टिक और हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल्स का वो अभी काफी अच्छा 5,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है जो कि हो चुका है। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट एनालिसिस जिसके अंदर हमने देखा कि हमारी जो मिसाइल्स है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो क्या है, कितनी रेंज है, और साथ में हाइपरसोनिक कौन कौन से कंट्रीज के पास है और अभी कितनी उसकी रेंज है, कौन से कंट्रीज उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा सो दैट और भी लोग देख सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।